नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी बीटी यूपी के छात्र हैं, आज मैं उन सभी छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यहां से सारे MCQ आ रहे हैं। तो कहां से सारे MCQ आ रहे हैं आपको, मैं आपको इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको सर्च करने का ट्रिक बताऊँगा। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी लिंक हो, मैं आपको सर्च करके मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन का आप मात्र 5 सेकंड में कैसे सर्च कर पाओगे। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि चीटिंग करने का एक और स्मार्ट ट्रिक जान लो। तो कौन सी ऐसी स्मार्ट ट्रिक है, आज मैं आप सबको वीडियो में ये भी बताने वाला हूं। बस आप सबको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, मैं आपके सामने में सब कुछ लाइव प्रूफ बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको चीटिंग करने का एक स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसको अगर आप चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे। कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, आपको फर्स्टली में क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। जैसे आप प्ले स्टोर पर आ जाते हो, प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सिंपल में यहाँ पर गूगल लेंस क्लिक कर देना है। तो जैसे आप गूगल लेंस क्लिक कर देते हैं, गूगल लेंस अगर इस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में होगा तो आप इसे ओपन कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप यहां से इंस्टॉल कर पाओगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल में ओपन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आइकन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन अगर सर्च करना चाहेंगे लाइव तो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई स्क्रीन शॉट है मेरे पास, मैं आपके सामने मैं क्वेश्चन सर्च करके दिखाता हूँ। ये ऑर्गेनिक ट्रिक, कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ से आप सर्च कर पाओगे। लेकिन मैं अभी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको वेबसाइट पे कैसे सर्च करना है जहां से MCQ आ रहे हैं। ओके, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसके बाद आपको सिंपल में कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन रहेगा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आंसर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ब्लैक में जो भी ब्लैक में यहाँ पे रहता है वही आपका आंसर होगा। आपको सिंपल में फिर से नीचे की तरफ से स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ। जैसे स्क्रॉल करते हैं वहाँ पे आप मिला लीजिए कि मिनरल्स कोई आंसर है क्या। हाँ देखिए, यहाँ पे बी वाला आंसर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, बी वाला, तो यही आंसर है। तो चलिए इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन और सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको बता दूँ ये 100% वर्किंग ट्रिक है, ताकि आप सबको विश्वास हो सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस भी क्वेश्चन को मान लीजिए आपको जिस भी क्वेश्चन पे आपको सेलेक्ट करना है, आप सिंपल में उसी क्वेश्चन पे सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल में कुछ नहीं करना है, आपको उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट कर लिया, सिंपल में आपको यहाँ पे इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ मगमा, चलिए देखते हैं उसमें क्या मगमा आंसर है क्या उसका। सिंपल में आपको फिर से नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सी वाला आंसर मगमा। तो इसी प्रकार से गूगल लेंस का हेल्प लेके अच्छे नंबर्स ला सकते हो। तो अगर आपको पता रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्लीज़ आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकोगे, जो 100% वर्किंग है, वर्किंग ट्रिक है। 100% मैं गारंटी लेता हूँ ये वर्किंग ट्रिक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम में तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर पाओगे। तो चलिए आप जानते हैं कि आपको किसी भी वेबसाइट को कैसे सर्च मारना है गूगल पे, ताकि आपको PDF मिल सके MCQ का। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आपको सिंपल में यहाँ पे गूगल पे आना है। जैसे आप गूगल पे आते हैं, आपको सिंपल में यहाँ पे टाइप करना है साइट आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे डबल, यहाँ पे देखिए डबल आपका यहाँ पे डबल यहाँ पे बिंदी रहेगा। आपको मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए आपको इस पे जरूर यहाँ पे डबल बिंदी आपको जरूर डालना है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना डबल डॉट। बच्चों, स्टडी करने में आपको किसी भी प्रश्न में डाउट्स आते हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि आपका सबका सोल्यूशन है फ्लोहैब। जी दोस्तों, फ्लोहैब आप सभी के लिए बहुत शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चन का डाउट्स बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चन के डाउट्स क्लियर करते हैं। और आप या तो अपने क्वेश्चन टाइप भी कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर टू आप फोटो खींचकर भी अपने सारे सवालों के जवाब यहाँ पर पा सकते हैं। और आपका जो फ्री कॉल होगा सीधे एक्सपर्ट के साथ लाइव फोन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? लाइसोजाइम एंजाइम इज प्रेजेंट, वन इज लाइसोजाइम एंड अनदर इज सलाइवरी एंजाइम। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। डबल डॉट आपको डबल डॉट वहाँ पे जरूर लगाना है। उसके बाद डबल डॉट जैसे आप लगाते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपका जिस भी वेबसाइट की, जो मतलब कि बहुत सारे आपको यूट्यूबर ने बताए रहेंगे कि इस वेबसाइट से आ रहे हैं, कि उस वेबसाइट से आ रहे हैं, आपको साइट डालने के बाद उसी वेबसाइट का नाम डाल देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पर डालता हूँ एग्जाम वेदा, मैं एग्जाम्पल में आपको डाल देता हूँ। एग्जाम वेदा डालने के बाद आपको प्रेस करना है, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी आपका जो ब्रांच हो, आपको वहाँ पर सर्च यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे कि मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग का मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आप, मैं आपके सामने में सिविल इंजीनियरिंग,
आप यहाँ पे देखिए इंजीनियरिंग, उसके बाद आपको सिंपल में बैक करके स्पेस देखने के बाद आपको एमसीक्यू डाल के आपको सिंपल में सर्च कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सीधा ये ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ चुका है। सीधा किसका, ये ऑफिशियल साइट है एमसीक्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम वेदा का, यहाँ पे देख सकते हैं इसी साइट से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको एक दो साइट और बताता हूँ, जैसे कि बहुत से बच्चे बता रहे थे सैन फाउंड्री जो एक साइट है, इसी प्रकार से कोई भी साइट हो, कोई भी वेबसाइट हो, आप यहाँ पे सिर्फ आपको साइट डालना है, डबल डॉट लगाना है, उसके बाद उसको आपको उस साइट का नाम डालना है और जो भी आपके सब्जेक्ट हो, जैसे कि एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट रहते हैं, तो उस सब्जेक्ट नाम डालने के बाद आपको सीधा एमसीक्यू पे क्लिक कर देना है, आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। आपको इसी प्रकार, और आपको मैं बता दूं कहां से एमसीक्यू आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एमसीक्यू आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा एमसीक्यू जो भी आ रहे हैं यहां से आ रहे हैं, डॉक्टर सौरभ वहाँ पे कैंपस, वहाँ से मोस्ट जितने भी वहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, वहीं से आ रहे हैं। तो आप वहाँ से जाके आपको क्या वहाँ, अगर आपको मान लीजिए उसका सर्च करना रहेगा तो सिंपल में आप यहाँ पे टाइप करिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं साइट यहाँ पे एग्जाम विदा हटा दीजिए, यहाँ पे एग्जाम विदा हटाने के बाद आपको यहाँ पे सीधा सैन फाउंड्री डाल देना। देखिए सैन फाउंड्री, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि सैन फाउंड्री के बारे में, यहाँ पे देखिए आपको सैन फाउंड्री डाल देना है, FOUNDRY। ओके आपको डालने के बाद सिंपल में आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉरी मैंने मीनिंग साथ गलत डाला है यहाँ पे, तो मैं आपको सही कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं FOUNDRY, तो यहाँ पे देखिए आपको सिंपल में डालने के बाद ना, सॉरी यहाँ पे गलत हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए साइज सैन फाउंड्री इंजीनियरिंग MCQ आपको सिंपल में यहाँ आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सिंपल में यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो सिंपल में क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं इस साइट पे आप सीधा इसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग डाला है, मैं कोई सब्जेक्ट डाल लेता हूँ, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डाल लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग डाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए सिविल इंजीनियरिंग आपको टाइप करना है, आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का यहाँ पे ऑफिशियल साइट आ जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे कोई भी एमसीक्यू, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। एग्जाम्पल में इसे ओपन करना, आप ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, आपको सब कुछ यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, आप जिस भी ब्रांच करिएगा सर्च करके यहाँ पे पा सकोगे। ओके अगर आपको अभी भी कोई इशूज़ हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं आप सबको एक प्रॉपर वीडियो बना के फिर से मैं आपको गाइड कर सकूँ, या आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जा सकेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा। आपको मैंने बताया है आपको इसी प्रकार से मत सर्च करना है, आपको पहले साइट डालना है, डबल डॉट लगाना है, किसी भी वेबसाइट का नाम डालना है, उसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा आप एक बार ट्राई कर लेना इस तरीका, अगर आपको वर्किंग लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर